जबरदस्त क्या बात है, शानदार शानदार, पूरा तेल अलग और रसा अलग, क्या बात। ये चुस्ता बन के तैयार। देखिए आज हम मटन चुस्ता बनाने जा रहे हैं, तो अब इसकी तैयारी हम लोग शुरू करें। इसके पहले भी हम बना के डाल चुके हैं मटन चुस्ता, लोगों को बहुत पसंद आया इसलिए हम फिर से बना रहे हैं इसको, और इस बार थोड़ा डिफरेंट। हाँ, इस बार थोड़ा डिफरेंट बना रहे हैं। दोनों का टेस्ट अपने आप में बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर ये टेस्ट भी खा के देखिए। अब देखिए इसमें एक चम्मच नमक डालें। मटन कितना हम लीजिए? मटन आधा किलो है, ये चुस्ता लगा के करीब 3 पाव मटन है, तो इसमें एक चम्मच नमक डाले हैं। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट करीब हम एक चम्मच, ये छोटा चम्मच से भर के डाल दे रहे हैं इतना। इसमें फिर हल्दी थोड़ी सा डाल देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना हल्दी डाल देंगे। और फिर इसको अच्छे से हाथ से मिला देंगे। बस नमक हल्दी है ना? हाँ, नमक हल्दी अदरक, अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक हल्दी। अब इसको मिला दिए। अगर घर में है, फ्रिज में रखना है, तो इसको गर्मी का दिन है अभी, फ्रिज में रखना है तो इसको आधा घंटा रखिए, आधा घंटा या 45 मिनट। अगर फ्रिज नहीं है, हम बाहर रह रहे हैं, तो इसको 10 मिनट रखिए, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है, तो हम इसको अभी 10 मिनट के लिए बाहर ही रख रहे हैं ढक के, तब तक अगली तैयारी करेंगे। देखिए ये अब 10 मिनट हो गया है, इसमें जो भी हल्दी था, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, वो मिल गया होगा अंदर। ठीक है, अब इसको बनाने की तैयारी करेंगे हम। अब प्रिपरेशन चालू होगी। हाँ, अब देखिए हम ये इसमें आधा किलो मटन और एक चुस्ता है, सब मिला कर करीब 3 पाव इसमें, मतलब ये पूरा मटन है। ठीक है, इसके लिए देखिए इसी चम्मच से हम करीब 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, करीब 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर लिए हैं, और ये 2 गांठ लहसुन है, बड़े गांठ। ये आधा किलो प्याज है। ठीक है, ये बघार के लिए हम ये 2-4 लौंग, 4 छोटी इलायची, ये काली मिर्च 2-4 ठो है, लौंग है ये तेजपात है। हाँ, ये कोई जब इसमें से कोई भी चीज़ अगर थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाए, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपन थोड़ा सा लहसुन, हाँ ये थोड़ी सा लहसुन रख लिए, थोड़ी सी प्याज ले लिए, क्योंकि इसको अभी वो चुस्ता है उसमें भरना है इसको। इस बार चुस्ता में क्या भर के बनाओगे? हाँ, इस बार चुस्ता में सिर्फ उसी का ये चीज़ भरेंगे हम, इसको ये आप जिसको बोलते हैं तेल। हाँ, तेल कहिए, चर्बी कहिए, जो भी कहिए, उसमें खुद भी लगा हुआ, हम आपको दिखाएंगे कैसे भरेंगे इसको। अच्छा, तब तक हम इसको तो बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी में सब बन जाना है ना। अब हम चुस्ता भर ले रहे हैं। अच्छा, पहले चुस्ता भर लेंगे। चुस्ता भर के इसी में रख लेंगे। देखिए ये तेल वाला भाग ऊपर है, ये ऐसा है, तो चुस्ता देखिए इसमें बहुत सारे तेल है, खुद ब खुद इसमें बहुत सारे मटन है, तो हमें अलग से कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। पिछला वीडियो में हम वो कलेजी भर के बनाए थे, सबको बहुत पसंद आया था, लेकिन इस बार हम ऐसा कुछ नहीं भर रहे हैं, इसमें इसी का मटन, इसी की चर्बी सब भर रहे हैं। अब इसमें नमक हल्दी तो लगा ही है, थोड़ी सा हम इसमें से इसी में से जो मसाला इधर दिखा, ये जो मसाला निकाले हैं इसी में से थोड़ा सा हम नमक, ये मिर्ची ले लिए इसमें लगा दिए। हाँ, मिर्ची लगा दिए इसमें, नमक भी थोड़ी सा और लेके लगा लेंगे। अब इसको हम पलट देंगे। हाँ, ये जो लाइनिंग वाला हिस्सा है, हाँ, लाइनिंग ये, वाला ये ऊपर आ जाएगा। देखिए ये वाला ऐसा जो हिस्सा है ऊपर आएगा, इसको हम उलट देंगे, उलट देंगे। देखिए इसी के अंदर, इसी के, हाँ देखिए ये भर गया। अब इसमें थोड़ा सा ये लहसुन है, ये लहसुन डाल देंगे, प्याज डाल देंगे जो हम काट के रखे हुए हैं, इसके अंदर खड़ा डाल देंगे, गल जाएगा क्योंकि वो जब बनेगा। हाँ देखिए, ये थोड़ी सी गरम मसाला है, ये देखिए इतना सा है, बिल्कुल आधी चम्मच से कोई भी गरम मसाला, हाँ, कोई भी गरम मसाला चलेगा। इसमें ऐसे हम डाल देंगे आधी चम्मच गरम मसाला। हाँ, अब उसको ऐसे ऐसे खुद मिल जाएगा, वो हाथ से मिला देंगे, वो बन के खुद पिघल के मिल जाएगा बस। अब हम इसको किसी की सहायता से इसको बांध देंगे, ऐसे ऐसे है, ऐसे पकड़ेंगे ताकि इसका मुँह पूरा पकड़ में आ जाए, और फिर बांधेंगे उसको, ऐसे पकड़ लेंगे मुंह को, और कोई धागा, मजबूत सा धागा लेके, अगर नहीं आपके घर में मोटा धागा हो तो पतले वाले धागा को 2-3 बार मोड़ के उससे बांध सकते हैं, ऊपर की तरफ बांधेंगे लेना, अंदर का बाहर। हाँ, ना है कुछ भी, खाते समय तो ये निकल जाता है।
अब इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइनिंग चुस्ता के जो लाइनिंग वाला जो चीज़ होता है, ये लाइनिंग वाला जो भाग है ये ऊपर रहे, और उसके जो चर्बी उर्बी लगे होते हैं वो सब अंदर चले जाएंगे। देखिए ये वाला ऊपर रहेगा, ये हाँ जो परत वाला है ऊपर रहेगा, बाकी वो अंदर चला जाएगा। बस अब हम इसको मटन के साथ रखेंगे, ठीक है। अब हम गैस चालू करेंगे बड़े वाले की तरफ, क्योंकि हमें प्याज भूजना है और पूरा फुल आंच पर हमें चढ़ाना है, लगभग सारा काम फुल फ्लेम पे ही होगा। कुकर में बना रहे हैं, अगर आपके पास कुकर नहीं है, कोई और बर्तन है तो उसमें भी बन जाता है, लेकिन थोड़ी टाइम लगता है। बस अब हम सरसों का तेल डालेंगे इसमें, देखिए तेल थोड़ी ज़्यादा ही पड़ता है, मटन मछली में तो तेल लगते ही लगता है, हल्का सा कुकर गर्म हो जाता है। ये हमको लग रहा है 2-3 चम्मच होगा, या 3-3 चम्मच हो सकता है। तेल गर्म हो गया है, देखिए तेल गर्म आने लग गया है। अब इसमें हम ये 3-4 तेजपात है मेरे पास, मतलब यही छोटा छोटा तेजपात था तो मैं डाल दे रहे हैं, तेजपात डाल दिए। फिर ये हम जो लौंग 2-4 लौंग था, ये छोटी इलायची 4 लौंग था, और 4-5 तो ये काली मिर्च था जो हाँ, इसको भी तुरंत डाल के इसको ज़्यादा देर ना रखते हुए प्याज को डाल देंगे। प्याज हम मोटा मोटा काटे हुए, देखिए प्याज मोटा मोटा कटा हुआ है, प्याज मोटा ही रखना है क्योंकि इसको तलना है, काफी देर अभी पकेगा तलेगा भी तो गल के एकदम रसा हो जाएगा। ये तो देखिए ये प्याज भूज रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, थोड़ी सा और चाहिए, ज्यादा नहीं, आधा हो गया लगभग है ना, आधा हो गया, थोड़ी सा और बादामी मुलायम होगा, थोड़ा सा ज्यादा करने से जूस खत्म हो जाने से फिर ग्रेवी अच्छा नहीं बनेगा, और चलाते रहने वरना कच्चा रखने से मीठा रहेगा, इसलिए इसको अंदाज से करना है। देखिए ये लगभग हो चुका है, लगभग क्या हो ही चुका है, ऐसे ही चाहिए। अब देखिए इसमें अब जो ये हम सूखा मसाला लिए हैं, धनिया हल्दी मिर्ची, बस इसको हम डाल के थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसमें, कम आँच पर, बिल्कुल आँच को कम कर देंगे, इसको रोस्ट करेंगे। बस 2 मिनट इसको रोस्ट होने देंगे, बढ़िया सा देखने लगा। अब इसमें ये हम 2 गांठ लहसुन छील के रखे हैं, इसको भी डाल देंगे, खड़ा खड़ा है हाँ, ऐसे खड़े ही डाल देंगे एक बार में डाल, एक बार में। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं है, ज़्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि बच्चे जो बाहर रहते हैं उनके पास सारी सुविधाएं होती नहीं है, तो ये थोड़ी 4-5 तरह के मसाला लेकर वो अच्छा बना के खा सकते हैं, स्वादिष्ट एक नंबर। देखिए ये रोस्ट हो गया है लगभग, अब इसमें हम नमक अंदाज से डाल देंगे, ये मटन डाल दे रहे फिर नमक समझ में आएगा, पहले भी इसमें नमक पड़ चुका है, ठीक है। ये मटन हमने चुटता गया कहाँ पे, ये देखिए सब इसी में जाएगा, कुकर में गया, हाँ कुकर में गया, थोड़ी आँच को तेज कर लेंगे और इस सबको साथ इसको भूजेंगे। आप दूसरा वीडियो देखिएगा, इसको सबके साथ अंदर 2 मिनट भूजेंगे, ज़्यादा नहीं, तेज आँच पर 2 मिनट भूजेंगे इसको। और मम्मी ये बोल दो जिसको जिसको अच्छा लगे, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, बोल दो सब्सक्राइब करें जिनको जिनको अच्छी लग रही है वीडियो तो, और वीडियो चाहिए तो बोलो सब्सक्राइब दबाएं सब लोग, हाँ सब, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर दबाएं। इसके पिछले वीडियो जो हम बनाए थे सब लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो थोड़ी सा मोटिवेशन मिलता है कि और बना के डालें। ये नमक करीब ये 2-3 चम्मच है, लेकिन हमको चम्मच का अंदाज नहीं है, हम हाथ से ही डालते हैं, तो हम हाथ से डाल रहे हैं, बता देंगे कितने चम्मच होगा। करीब 2 चम्मच नमक है, आप चख के डाल सकते हैं फिर से नमक, दो बड़े चम्मच हाँ कम लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, उसका सर अगर हाँ हाँ कम लगे तो और डाल लीजिए, मिला सकते हैं हाँ, ज़्यादा नहीं मिला, इसको डाल के इसको डाल के 2 मिनट के लिए हम चला लिए, आँच को थोड़ी कम करेंगे, ये ऐसे ही भूज रहा है अभी। अब बस अब कुछ नहीं करना है, ये 2 मिनट के करीब हमको लग रहा है भूज गया है, मसाला तो रोस्टेड हो ही गया है, मटन को अभी बनाना है हमें। अभी जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, इसको भी हम डाल देंगे हाँ, क्योंकि पहले डाल देने से ये अदरक लहसुन चिपकने लगता है, तो अच्छा से फ्राई नहीं हो पाता। हाँ ये 2 चम्मच था हाँ, इसमें से 1 चम्मच अपन मैरिनेशन के टाइम डाल दिए थे हाँ, और अभी 1 चम्मच 10-12 कली ये फाँके लिए थे लहसुन के, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसमें ये तो रेडीमेड भी मिल जाएगा, बस बस
बस ये अंदाज से आप ऐसे डाल सकते हैं। अब इसको अभी हमें गलाना है प्याज को, तो देखिए इतना पानी डाल रहे हैं एक कल के लिए इससे। हाँ, एक कल बस लिए बस लिए। अब इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसको चला देंगे अच्छे से, ढक्कन लगा देंगे। अब सीटी लगवाना है। हाँ, कुकर को बंद करेंगे और दो सीटी आने तक इसको बंद रखेंगे, मीडियम आंच पर करके दो सीटी लाएंगे इसको। तो फिर अब मिलते हैं मम्मी दो सीटी के बाद। जब तक लोग क्या करेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। देखिए दो सीटी हो चुका था तो हम बंद कर दिए थे दो सीटी आने के बाद। अब इसका प्रेशर भी खत्म हो गया। हाँ। प्रेशर मतलब खुद से नहीं निकल रहा है। खुद से नहीं, खुद से नहीं। एक तो जलेगा फिर पूरा ढंग से पकेगा नहीं। देखिए ये देखिए, ओ भाई साहब अभी से स्वाद आने लग गया है इसको देख के तो बहुत जोर से। अब देखिए इसको हमें चलाना है। अरे बाप रे मम्मी, अब ये से कितना गजब दिखने लगा ये तो यार। हम आग चालू कर दे, गैस को चालू, गैस चालू कर देंगे है ना। और गैस चालू करके इसको हल्के हल्के चुस्ता को बचाते हुए चलाएंगे ताकि इसका जो प्याज है और लहसुन है टूट जाए। शानदार, ये तो अभी ऐसे लग रहा है कि लेके खा लो भाई। लेकिन जब ये बनेगा आखिरी तक गारंटी दे सकता हूँ, किसी ने जो देखेगा उसके मुंह में पानी जरूर आएगा। एक बार को भूख तो जरूर लगेगी। हाँ, अभी तो ये भूजेगा ना, ये जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए तब तक इसको हम भूजते रहेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि जले नहीं, जलने मत दीजिए। ज़्यादा चलाते रहना है ना। आँच को थोड़ी कम कर दीजिए लेकिन जलने मत दीजिए। ये मटन बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, बस प्याज भूजने में या ये भूजने तक, बस बहुत कम टाइम में सब मिला के आधा घंटा 45 मिनट में मटन बन जाता है। जो मेरे बच्चे जो बाहर अकेले रहते हैं उनको ज़्यादा अंदाज नहीं होता, तो ऐसे 15 सेकंड 20 सेकंड पर वो चलाते रहेंगे। देखिए हम बीच बीच में चलाते रहेंगे खोल के ताकि पकड़े नहीं नीचे। देखिए हल्का सा बिल्कुल नहीं पकड़ा है, बचा के चलाना है कि छीटा भी ना पड़े और टूटे भी नहीं, ये चुस्ता तो लगे नहीं। चुस्ता उठा के दिखाओ ना। देखो इसको, ओहो ये कलछुल से इसे लगना नहीं चाहिए कि टूट जाए, भूख लग जाएगी मम्मी। अब मत दिखाओ। देखिए अभी और भूजेगा, इसमें बिल्कुल तेल नहीं आया है अभी ऊपर। अभी और भूजेगा, तेल आने तक भूजेगा ये। देखिए अभी ये भूज नहीं होने वाला है, फिर भी अभी थोड़ी भूजेगा और भूजेगा। हाँ, हल्का हल्का तेल छोड़ रहा है। अब देखिए ऐसे हल्का हल्का तेल छोड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए एवरेस्ट का ये मीट मसाला है। अब मीट मसाले को हम करीब देखिए करीब 2 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसको। इतना करीब, 2 बड़े चम्मच है। हाँ, 2 बड़े चम्मच हम मीट मसाला इसमें डालेंगे। ये आधा किलो मतलब 3 पाव मटन है, आप जितना मटन होगा उसके अनुसार डालिएगा। देखिए ये मीट मसाला हम डाल रहे हैं इतना। मम्मी अपन को एवरेस्ट स्पॉन्सर नहीं कर सकते। नहीं, बस आपको जो पसंद है, जिस कंपनी का मटन मसाला पसंद है। अगर कोई एवरेस्ट से देख रहा है तो भाई स्पॉन्सर कर सकता है। देखिए अब इसको हम मिलाएंगे, थोड़ी देर भूजेंगे इसको ताकि मसाला ये मिल जाए। हम ये चला रहे हैं। अब ये हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए रहते हैं, बहुत कम सुविधाओं के साथ रहते हैं, पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं, तो ये चीज़ बना के वो आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। बस लहसुन प्याज है, अदरक इच्छा हो तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं है। बस मिर्ची धनिया हल्दी है और एवरेस्ट का आप गरम मसाला ले लेना, मीट मसाला ले लेना बस। कौन बेचारा कहाँ पे किस सिचुएशन पे है, वो बहुत आराम से बना सकता है और खा भी सकते हैं वो लोग। देखिए ये तेल आ गया है बाहर। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मम्मी कलछुल हटाना ना थोड़ा सा। देखो तेल एकदम तर तर आने लग गया, बाहर आ गया है, बढ़िया भुज गया है, मतलब है ना, भुज गया है। अब देखिए इसमें हम पानी डालेंगे, जिसको जितना डालना रहा, अगर जिसका कम परिवार है, कम खाने वाला है, तो उस अनुसार अपना इसका जो ग्रेवी बनाना है उस अनुसार बनाए। देखिए ग्रेवी के लिए हम इतना पानी डाल रहे हैं। हाँ, मतलब अपने अंदाजे से कुछ उतना रस लगाना है, और जिसको नॉर्मल वो करना है तो करीबन आधे ग्लास से ज़्यादा डाल ले। देखिए हम इतना पानी डाल दिए हैं, ये इतना पानी लगभग उसमें हम डाले हैं।
क्योंकि मेरे करीब आधा ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा होगा, चार पांच लोगों को खाना है मेरे यहाँ, उस हिसाब से हम डाले हैं क्योंकि थोड़ा तो अभी बैठेगा भी पानी। अब इसमें हम देखिए गरम मसाला डालेंगे, एवरेस्ट का ही हम डालेंगे गरम मसाला, आपको जो पसंद है वो डालिए। हम कितना डालेंगे? हाँ, इसमें हम एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे इसमें भर के। इतना हम गरम मसाला डालेंगे एवरेस्ट का, एक चम्मच। हाँ, एक चम्मच, एक चम्मच डाल देंगे ऐसे, स्प्रेड कर दिया। हाँ, बस हल्का मिला दो, ठीक है। अब इसको प्रेशर कुकर बंद करेंगे, अब करीब 5 सीटी तक आने तक हम इसको चालू रखेंगे। आप हर जगह का मटन का अलग मतलब गलने का समय होता है, तो आप उस अनुसार कर लीजिएगा। बाकी ये तो हम 5 सीटी लगाएंगे यहाँ, ठीक है, मीडियम आँच पर। फिर मिलेंगे अपन मम्मी 5 मिनट बाद। हाँ, देखिए ये 5 सीटी लग गया था, पूरा प्रेशर निकाल दिया। हाँ, प्रेशर भी इसका निकल गया है। हाँ, इसे हम खोलते हैं। दिखाओ डिलीशियस चीज, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या दिखने लगा ये, क्या दिखने लगा, जबरदस्त एकदम। मम्मी जरा चला के दिखा दो एक शॉट, क्या बात है, शानदार शानदार, पूरा तेल अलग और रसा अलग, क्या बात। ये चुस्ता बन के तैयार है, अब इसको जल्दी जल्दी से परस लेते हैं अपन लोग, है ना। ये बढ़िया सा चुस्ता बन के तैयार हो गया, देखिए अब ये खाने के लिए तैयार है। वाह मम्मी, अब बहुत अब रहा नहीं जा रहा, अब दे दो यार, भूख लग गई बहुत ज़ोर से। क्या शानदार दिख रहा है एकदम, दे दे रहे तुम लोग को जो मन करे निकाल के खा लेना इसमें से, ठीक है। निकाल दो निकाल दो, क्या लजीज दिख रहा है ये तो, शानदार दिख रहा है। गला चेक होगा। क्या गला है, ऐसे ही ऐसे टूट जा रहा है बिना कुछ करे। शुरू करे, क्या बात है। अब देखिए हम चुस्ता को निकाल रहे हैं क्योंकि इसको काटना पड़ेगा तभी तो खाएंगे सब लोग खाने के लिए। कितना लजीज दिख रहा है इसको, दो आपको जितने पीस में करना है कर लीजिए। इसको दो पीस में काटे हैं, तो अंदर से इसका पूरा मसाला सारा बाहर आएगा। हमें तेल ले लेना है, काटना है तो एक पीस और काट सकते हैं हम, तो दो ही पीस काटे। हाँ, स्वादिष्ट है। पहले 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 ग्रेवी के साथ ट्राई करेंगे। बेहतरीन, मजा आ गया। नमक मिर्ची सब पर अब एक पीस के साथ ट्राई करते थोड़ा। जबरदस्त, पीस के साथ खाते हैं थोड़ा सा लगा के, ये हल्का सा और बनाते हैं। मछली तुमको अच्छा लगता है? ओहो मटन के बीच में ओहो।